दोस्तों, यह वीडियो हिंदू धर्म, हिंदू मंदिरों, मानव शरीर और हिंदू मंदिरों के बीच क्या संबंध है। भारत में मंदिरों की अनेक शैलियां, इसकी शिल्पकला, वास्तुकला आदि के बारे में है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल अनीजवाल पर जरूर विजिट करें, इसे सब्सक्राइब करें। 130 वीडियो से भी ज्यादा वीडियो मैंने इस पे अपलोड किए हैं, कृपया उन्हें देखें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन हाँ, मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है एंड उसी के कारण मैं इतनी मेहनत करता हूँ और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, यह वीडियो सीरीज वास्तव में बहुत ही कठिन काम है, बहुत परिश्रम वाला है। इसके लिए सबसे पहले तो जो आइडियाज हैं, विचार हैं, उनको कंसीव करना, फिर इनको मूर्त रूप देने के लिए बढ़िया सी रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट को बार बार एडिट करना और फिर उसे विकसित करना, और उसके बाद इसी स्क्रिप्ट को आपके सामने एक वीडियो के रूप में कम समय में बहुत सारी चीजों के बारे में बताना। इसके लिए बहुत लंबे समय तक कंप्यूटर पे बैठना पड़ता है और फिर एक अच्छा सा वीडियो डेवलप होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इन वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों, इस धरती पर आदि मानव शायद 20 लाख साल से 3500 या 3200 ईसा पूर्व लगभग उदित हुआ होगा। 3500 ईसा पूर्व का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है, सिर्फ इसके आसपास का इतिहास उपलब्ध है जहां से हम कुछ जान सकते हैं। ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे पहले इस धरती पर आदि मानव की अफ्रीका में उत्पत्ति हुई और जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई, ये आदि मानव संख्या में बढ़ते गए और फिर इनका अन्य स्थानों पर आना जाना शुरू हो गया और धीरे धीरे पृथ्वी के हर भाग में फैलते गए। भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव शायद 50,000 से 40,000 वर्ष ईसा पूर्व ईरान से होते हुए यहाँ पहुंचा होगा, जिन्हें होमो सैपियन माना जाता है। इससे पहले इन्हें होमो इरेक्टस आदि नामों से जाना जाता था। समय के साथ साथ आदि मानव के शरीर में बदलाव आते गए और इनका म्यूटेशन होता गया, यानी बदलाव होता गया। दिमाग का साइज भी बढ़ता गया, शुरू में छोटा सा होता था और उसके बाद पूरी तरह विकसित हो गया और फिर आखिर में ऐसा इंसान बन गया जैसे आज हम लोग हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आगे भी
इंसान का यानी होमो सैपियंस का म्यूटेशन चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। आदमी या इंसान और सुंदर और सुडौल और तेज बुद्धिमान दिमाग वाला का होशियार होता जाएगा। भारतीय इतिहासकारों का मानना है कि आर्यंस बाहर से नहीं आए बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर की तरफ गए थे। वे पहले से ही इस उपमहाद्वीप में बसे हुए थे और बाद में मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अन्य स्थानों पर चले गए। लेकिन शेष इतिहासकारों का मानना है कि आर्यंस दक्षिणी रूस से यूरोप, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप में सप्त सिंधु क्षेत्र के माध्यम से लगभग 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप में आए। वे अपने साथ आंद्रा नोवो कल्चर और BMAC द बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स यानी वर्तमान में तुर्कमेनिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान और पूर्वोत्तर ईरान, दक्षिणी उज्बेकिस्तान और पश्चिमी ताजिकिस्तान से जुड़ी संस्कृति भारतीय उपमहाद्वीप में लाए। उनका सिद्धांत दो महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित है। भाषा विशेषज्ञों के अनुसार भाषाई आदान प्रदान कुछ रूपों में उनके शब्द यूरोप, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के दस्तावेजीकरण में पाए गए हैं। दूसरे आनुवांशिक अध्ययनों पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि फैक्टर M17 जीन्स दक्षिण रूस के साथ साथ अधिकांश लोगों में पाए जाते हैं। उत्तर भारतीयों में यूरोप, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के लोग और दक्षिण भारतीयों में छोटे प्रतिशत में पाया गया है। अभी तक इस तथ्य को काउंटर करने के लिए कोई और तथ्य नहीं है। इसीलिए आर्य पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों जैसे पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बस गए। लेकिन हरियाणा हिसार के गांव राखी गढ़ी में जारी पुरातत्व उत्खनन से नित नए तथ्यों का खुलासा हो रहा है। इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों के आक्रमण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और तथ्य अभी भी साफ नहीं है। आगे भी खोज शायद होती रहेगी। लगभग 4000 वर्ष ईसा पूर्व में पत्थरों, तांबों के औजारों के विकास के साथ लोगों ने सिंधु नदी के किनारों पर अपने मवेशियों, जानवरों के साथ बसना शुरू कर दिया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यताओं का विकास हुआ, कस्बों और शहरों का भी विकास हुआ। 2500 से 2000 वर्ष ईसा पूर्व की अवधि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए स्वर्णिम काल था। यदि हम इस विश्व मानचित्र को देखें तो कैस्पियन सागर के दो किनारे हैं, यानी एक तरफ यूरोप की ओर जाता है और दूसरी तरफ इराक और भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जाता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी और नदीतम या सरस्वती नदी का भी उल्लेख है। ऋग्वेद ईरानियन
और यूरोप यूनानी साहित्य के बीच कुछ सामान्य संबंध हैं। ग्रीक भाषा में सिंधु को इंडस कहा जाता है और क्योंकि ईरानियन सा को हा पुकारते हैं इसलिए सिंधु को हिंदू नदी कहते हैं। दोस्तों, लोहे के उदय और विकास ने औजारों को जन्म दिया, उसके बाद हल और फिर कृषि। इस तरह लोग एक स्थान पर बसने लगे, वस्तु के बदले वस्तु व्यापार को जन्म दिया। इसके बाद व्यापार और क्षमता के आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया। ऋग्वेद में केवल इंद्र या पुरंदर विभिन्न आदिवासी कुलों भारता और पुरु कुलों के बारे में उल्लेख है, जो आगे चलकर कुरु कबीले और कौरव कुरुक्षेत्र क्षेत्र का गठन करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार आर्यों के पास घोड़े, रथ, कवच, हथियार वगैरह थे और वे हमेशा आगे बढ़ते रहे थे। और पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत की ओर भी आए थे। ऋग्वेद मंत्रों का एक संग्रह है और ऋग्वैदिक सभ्यता की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। ऋग्वेद में उल्लेख है वैदिक परंपरा के कुछ प्रमुख देवताओं का, जैसे इंद्र, सूर्य, अग्नि, उषा, वायु, वरुण, मित्र, अदिति, यम, सोम, नदीतम या सरस्वती, पृथ्वी और रुद्र आदि के नाम आते हैं। ये देवता ब्रह्मांड या आकाश, मध्यवर्ती अंतरिक्ष और पृथ्वी के तीन आयामों से संबंधित हैं। विष्णु पुराण महान ऋषि वेद व्यास को चार वेदों की वर्तमान व्यवस्था का श्रेय देता है। आइए हिंदू शास्त्रों की जानकारी के लिए थोड़ा इस टेबल पर नजर डालें। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें से बाकी वेदों का प्रसार हुआ, जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा से 108 उपनिषदों की उत्पत्ति हुई। वेदों से ही कई स्मृतियों का जन्म हुआ, जैसे धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास या एपिक जैसे रामायण, महाभारत, दर्शन शास्त्र जैसे वेदांत आदि, उपवेद, वेदांग जैसे शिक्षा, ज्योतिष आदि, और आगमस यानी धर्म पंथ जैसे वैष्णव, शैव और शक्ति, जय माँ दुर्गा काली आदि। दोस्तों, ऐसा माना जाता है वेदों का उदय आर्यों के आने से बहुत पहले ही हो चुका था, यानी 4000 वर्ष ईसा पूर्व में। शायद उस समय वेदों को सिर्फ श्रुति यानी सुनने या सुनाने के आधार पर ही आगे बढ़ाया गया था और फिर 3500 वर्ष ईसा पूर्व के बाद इनको दस्तावेजों में लिखना शुरू किया गया और इस तरह हमारे हिंदू शास्त्रों के चार वेदों का उदय हुआ।
दोस्तों, हिंदू धर्म जीवन को जीने का और अपने कर्तव्यों को निभाने का एक तरीका है। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शाश्वत, यानी जिसका ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदू धर्म के संस्थापक कौन थे। इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित धर्म कहा जाता है, लेकिन इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में यह 5000 वर्ष ईसा पूर्व में उदय हुआ। मुख्य रूप से हिंदू धर्म आस्था और विश्वास पर आधारित है। नैलं चिन्नन्ति शस्त्राणि नैलं दहति पाकः न चैलं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगो सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अजर अमर है और शाश्वत है। हिंदू धर्म ब्रह्म और परमात्मा पर आधारित है। ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी में आत्मा विद्यमान है और शाश्वत है और केवल सत्य है। शेष शरीर रूप प्रकार आदि मिथ्या है। कर्म के आधार पर आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है या फिर पुनर्जन्म में चली जाती है। हिंदू धर्म में अधिकांश चीजों को चार भागों में बांटा गया है, जैसे चार वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चार युग यानी समय अंतराल, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो लगभग 4.5 लाख वर्ष का कहा जाता है, और सतयुग तक पहुंचने के लिए 2 से गुणा करते हैं, जो सबसे लंबा है। जैसे कलयुग को दुगुना करने से द्वापर युग, इसी तरह त्रेता युग को दुगुना करने से सतयुग। 4 जीवन काल है। 100 वर्ष के जीवन को मानकर प्रत्येक 25 वर्ष में बांटा गया है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 मोक्ष के मार्ग हैं: कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, तपस्या और ज्ञान योग। 4 ही समाज हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिन्हें वेदों में काबिलियत के आधार पर वर्णित किया गया है। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं। प्रत्येक युग के लिए दूसरे युग को समाप्त होना पड़ता है और इन्हीं से उदय होता है चारों स्तंभों का, जैसे तमस, तृप्ति, सूचि, शरीर और आत्मा की स्वच्छता, दया, सत्य यानी वर्तमान ही सत्य का स्तंभ है। इसी तरह 4 पुरुषार्थ हैं, यानी जीवन के 4 लक्ष्य। पहला धर्म या कर्तव्य, दूसरा अर्थ या समृद्धि, तीसरा काम या इच्छाएं और चौथा मोक्ष यानी मुक्ति। 4 हिंदू धर्म के प्रकार हैं: वैष्णववाद यानी विष्णु भगवान को मानने वाले, शैववाद यानी
भगवान शिव को मानने वाले। शक्तिवाद यानी माँ दुर्गा या माँ काली आदि को मानने वाले। और आखिर में जिनके लिए सभी प्रमुख देवता समान हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ऋग्वेद में त्रिदेव यानी त्रिमूर्ति का कोई भी उल्लेख नहीं है, लेकिन बाद के हिंदू शास्त्रों में त्रिदेव या त्रिमूर्ति यानी सृष्टि के देवता ब्रह्मा यानी क्रिएटर, सृष्टि का निर्माण करने वाले भगवान, भगवान विष्णु यानी संरक्षण देने वाले, रख रखाव और सृष्टि को चलाने वाले, भगवान शिव विनाश करने वाले ताकि फिर से उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। शास्त्रों के अनुसार कुछ गलत कर्म और फिर शराब के कारण ब्रह्मा जी की कभी भी ऐसे पूजा नहीं की जाती है जैसे अन्य देवताओं की। इसलिए शायद इनके मंदिर भी संसार में गिने चुने हैं। दो लोकप्रिय महाकाव्य रामायण और महाभारत हैं जो हिंदू दर्शन सिखाता है। हिंदू धर्म में 33 कोटि यानी 33 करोड़ देवी देवता हैं। दोस्तों, यह अवधारणा बिल्कुल गलत है और इसे गलत समझा गया है। वास्तव में वेदों में 33 प्रकार के देवताओं का उल्लेख है, अर्थात 12 आदित्य, 8 वासु और 11 रुद्र। शेष 2 सर्वोच्च देवता हैं इंद्र, जो स्वर्ग के स्वामी हैं और देवताओं के प्रमुख हैं। अन्य एक प्रजापति यानी ब्रह्मा है। सिंधु घाटी सभ्यता यानी 3200 वर्ष ईसा पूर्व में मंदिरों के निर्माण का जिक्र नहीं किया गया है जैसा कि आज वर्तमान में हम देखते हैं। इसके बजाय पुरातत्व खोजों से ही पता लगता आ रहा है। कि लोगों ने मिट्टी की मूर्तियां बनाई, उन्हें सौभाग्य प्राप्ति के रूप में इस्तेमाल किया और फिर फेंक दिया। पहला भारतीय साम्राज्य मौर्य साम्राज्य 321 वर्ष ईसा पूर्व और फिर गुप्त साम्राज्य 320 से 600 ईस्वी के दौरान था। इसे महान सांस्कृतिक उपलब्धियों का स्वर्णिम समय माना जाता है। शायद उसी दौरान मंदिरों का निर्माण भी आरंभ हुआ होगा।